तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तेरहवीं किस्त को लेकर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है एक लाभार्थी के स्टेटस में आई अपडेट के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएम किसान योजना की किस्त जो तेरहवीं किस्त जिन किसानों को नहीं मिली है उनके लिए अच्छी खबर है और इसे आप समझ सकते हैं कि किसानों को जो वंचित है उनको पैसे किस तरह से मिलेगा तो यहाँ पर हमने एक किसान का स्टेटस है वो ओपन कर लिया है और इस किसान को आप देख सकते हैं पहले जो किस्तें मिली है वो दिखाई गई है उसके बाद इस किसान को ग्यारहवीं और बारहवीं किस्त यहाँ पर पेमेंट है डन दिखा रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो ग्यारहवीं किस्त वो इकतीस पाँच दो हज़ार बाईस को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी की थी उसी समय मिल गई थी और बारहवीं किस्त सत्रह अक्टूबर को मिली थी दो हज़ार बाईस के अंदर यानी जब प्रधानमंत्री जी ने जारी की थी उसी समय मिल गई थी अब तेरहवीं किस्त जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ताईस फरवरी दो हज़ार तेईस को जारी की थी वो किस्त अभी तक नहीं मिली है किसान को बेसब्री से इंतज़ार था लेकिन अब फाइनली इनका आर एफ टी साइन बाय स्टेट फॉर थर्टीन इंस्टॉलमेंट आ चुका है पहले इनका जब किस्त जारी हुई थी उस समय खाली था उसके बाद इनका वेरिफिकेशन शुरू हुआ पहले इनका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आया अब इनका आर एफ टी साइन बाई स्टेट आ चुका है अब इस अपडेट से आप पता लगा सकते हैं कि किसान को बहुत ही जल्द पैसा भी मिलने वाला है तो किसान का अगर 27 फरवरी को पैसा मिल जाता तो इसका समय पर पैसा मिलता लेकिन अब यहाँ पर इनका आर आया है यानी इनका वेरिफिकेशन उस समय शुरू नहीं हुआ था और उसके बाद जब किस्त जारी होगी उसके बाद इसका वेरिफिकेशन शुरू हुआ और इसका पैसा अब मिलेगा आगे मिलेगा अब हो सकता है दो दिनों में पाँच दिनों में हो सकता है दस पंद्रह दिनों में बाद मिले लेकिन इनका पेमेंट है वो ज़रूर मिलेगा इसी तरह इस योजना में लाखों किसान हैं जिनका वेरीफिकेशन पूर्ण न होने की वजह से वो पैसा नहीं मिला आप सोचते होंगे कि वेरीफिकेशन तो सभी का एक साथ होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है जिनका पहले एक साथ वेरिफिकेशन हो जाता है उनको माननीय प्रधानमंत्री जी एक साथ ही बटन दबा कर पेशा जारी कर देते हैं लेकिन कुछ किसानों का फॉर्म है वो राज्य के पास पहले फॉर्म की जाँच होती है उस हस्ते में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट इसका मतलब होता है कि राज्य के पास आपका फॉर्म जाँचा जा रहा है तो राज्य में आपका फॉर्म वेटिंग में रहता है अब राज्य की जांच पूरी होने के बाद राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को फॉर्म भेजता है उस समय यहाँ पर आप देख लीजिए आर एफ टी साइन बाय स्टेट यानी रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र यानी अब राज्य रिक्वेस्ट कर रहा है केंद्र से कि इस किसान की डाटा हमने चेक कर ली है बिल्कुल सही किसान पाया गया है इसको आप पैसा दे दीजिए इसी तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आर आने के बाद कुछ ही दिनों बाद पेमेंट प्रोसीड आ जाता है और पेमेंट आ जाता है और कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनका आर में भी पैसा आ जाता है क्योंकि सरकार वैसे तो इनका पेमेंट परसोड जनरेट कर देती है लेकिन वो स्टेटस अपडेट नहीं होता इसलिए पता नहीं चलता लाभार्थी को इसलिए वैसे किसानों का जो पेमेंट रुका हुआ है वो अपना स्टेटस जरूर चेक करें उनका वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँचा है जो किस्त तो उनको अभी मिलने वाली है उसकी जगह अभी खाली दिखा रहा है या फिर वेटिंग फोर अप्रोली या फिर आर दिखा रहा है वो जरूर चेक करें और चेक करने से पता चल जाएगा कि हमारी क्या प्रॉब्लम है और लाभार्थी इस तरह से चेक करके पता लगा सकते हैं कि हमें बहुत ही जल्द पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उम्मीद करता हूं आपको बेनिफिशियरी स्टेटस में आई अपडेट की जानकारी जरूर से लगी होगी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब धन्यवाद